नमस्कार, मैं आरती गौड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। किसान की भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया, लेकिन मुआवजा का कोई ठिकाना नहीं। मामला है रामगंज मंडी से भोपाल तक बन रही रेलवे लाइन में अधिग्रहण की गई भूमि का। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के तहत आने वाले ग्राम चैनपुरा कला निवासी भंवरलाल वर्मा की भूमि रेलवे विभाग द्वारा 6 महीने पूर्व अधिग्रहण कर पोक लेन से काट ली गई, लेकिन आज दिनांक तक किसान को उक्त भूमि का एक भी रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में किसान ने एसडीएम और कलेक्टर से भी गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने इस किसान की नहीं सुनी। ऐसे में किसान अब उक्त भूमि पर ही झोपड़ी बनाकर आंदोलन करने की रूपरेखा बना रहा है। देखिए पूरी खबर मंडावर से, होकम प्रजापति की रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ में, जहां पे एक किसान मिले हमें। काफी परेशान है, गरीब परिवार से। मामला यह है कि रामगंज मंडी से भोपाल रेल लाइन का काम विगत 6 माह पूर्व से चल रहा है। किसानों की भूमि अधिग्रहण भी कर ली, लेकिन किसानों को उक्त भूमि का जो मुआवजा रहता है, राशि रहती शासन से, वो राशि आज तक किसान को नहीं मिली। इस कारण किसान दर दर ठोकरे खा रहे हैं। दर दर ठोकरे खाते खाते हमें भी रास्ते में मिले, तो हमने भी इनसे जाना है क्या समस्या, हम जानेंगे पूरी हकीकत क्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? मोहनलाल वर्मा, चैनपुरा कला गाँव है मेरा जी। और आज कम से कम 6 महीने से परेशान हूँ। 6 महीने के पहले वो गांव में, मतलब वो मेरे को बिना सूचना से, सूचना भी नहीं मिली, और मेरी जमीन अधिग्रहित में कल ही रेलवे वाले ने पोपलेन मशीन से 2 पेड़, भारी थे, बमूल पेड़ एक खाकरे का, उनको काट के नहीं एक दूसरे की जमीन में डाल दिया। और जब कितनी बीघा जमीन थी आपकी? 1 बीघा जमीन थी, 1 बीघा में से आधी बीघा जमीन मेरी रेलवे में चली गई है। अच्छा। और दर्शाया गया कि हाँ गई है, मेरे को विश्वास दिलाया गया कि गई है, मगर आज तक मेरे पास मेन प्रूफ अभी तक नहीं दिया कि गई है। तो जगह तो ले ली ना आपसे? हाँ, जगह तो ले ली। अच्छा, जगह ले ली, जगह मेरी थी, जगह काट भी ली। हाँ, जगह काट भी ली। और वहाँ से जो पेड़ थे 2 बड़ा भारी बमूल का, 10 से 12 हजार रुपया की लकड़ी मैंने, मतलब काट पीट के नहीं, और बेचने के लिए या मेरे घर में लाने की तैयारी में था। तो रोड सिंह पिता ग्यारसी राम और उसकी पत्नी, उसकी मम्मी और उसकी बहन वगैरह ने जाके 10 से 12-15 दिन तक मैंने मेहनत करी, 2 महीने ने काटी पीटी, और काटने के बाद में जब इकट्ठी होगी उस टाइम पे मैं लेने गया, लेते समय पे 4-5 लोग पहुँचे वहाँ जमीन पे, और लकड़ी लाने से इनकार कर दिया, मना कर दी कि ना ये तेरे मतलब है नहीं, आदेश तेरा बाप से आदेश लिया तू, इसके बाद लकड़ी उठा के लेके जाना नहीं, तो लकड़ी हमारी है, हमारी जमीन में पड़ी है। अच्छा, ये तो परिवार मेयर पड़ोसी का मामला। मेयर पड़ोसी, लेकिन अपना मेन मामला ये है कि जगह का पैसे, उस जगह का पैसा। अन्य किसानों को कितना रुपये मिले? जो अभी किसी ने बताया तो नहीं, मगर मेरे जो आजू बाजू में दोनों, मतलब बगल की जमीन, मतलब पश्चिम, पूरा पश्चिम वाले को मिल गया, और मैं बीच में, मेरे को नहीं मिला आज तक। और जगह आपने शिकायत कर रखी? मैंने शिकायत मतलब पहले तो करी थाने में, थाने में करी, थाने वाले ने नहीं सुनी, 2 रिपोर्ट डाली। थाना कौन सा लगता? थाना नरसिंहगढ़ में, नरसिंहगढ़ थाना में मैंने 2-3 रिपोर्ट डाल दी। इसके बाद में 181 पे मैंने 2 बार रिपोर्ट, 181 पे शिकायत करी। शिकायत करने के बाद में मेरी प्यार से बुला बुलू के नहीं, और दरा धमका के नहीं, मेरे से 181 की मतलब वो रिपोर्ट थी वापसी ले ली। किन्ने ले ली है? वो थानेदार, वहाँ के पुलिस वाले, पुलिस स्टाफ ने विश्वासघात करा मेरे साथ में, और वो वापसी मेरे से है जो मतलब जो वो मैंने 181 पे डाली थी वो ले ली। एक बार ले ली, फिर दूसरी बार फिर मेरे साथ में यही हरकत करी, फिर तीसरी बार में करी जैसे मतलब जो उन्हें थोड़ी बहुत खिचकतानी करी, गांव में गाड़ी गई, 100 नंबर भेजी, उनको पकड़ के लाई, नहीं लाई कुछ भी नहीं, फार्मेट पूरा करके बैठ गए। इसके बाद में मैंने, अच्छा ये मामला तो अपना पेड़ का है। हाँ, पेड़ का है। जमीन का मैटर बताइए। और जमीन का मैटर ये है कि मैंने एचडी महोदय और एचडी महोदय को भी आवेदन दिया, एक बाद में मैंने रेलवे विभाग मंत्री को भी दे दिया, और राजगढ़ कलेक्टर साहब को भी दे दिया, और मुख्यमंत्री को भी दे दिया। कितने दिन हो गए? ये कम से कम मतलब है जो एक तो आठों महीने 8 तारीख कब से भटक रहे हैं आवेदन? कम से कम 6 महीने से ऊपर की बात होगी, 5-6 महीने से भटक रहे हैं। अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई लेटर मिला? कोई लेटर नहीं मिला। अभी मैं कल ही, मतलब कल की तारीख में तहसीलदार महोदय ने बुलवाया था, तहसीलदार साहब ने बुलवा के नहीं मुझसे पूछी क्यों भाई क्या मैटर है। मैंने सर ये तो जमीन है मेरी, और जमीन में से बिना बताए, बिना नोटिस के लकड़ी काट ली पीट ली,
वो काटने काट पीट के नहीं रेखे अधिग्रहण कर ली। मेरा जो पेड़ था मैं काटने को गया तो काटा मैंने, मेरा मैंने 15 से 20 दिन तक मेहनत करी। वो जगह का मुआवजा का क्या बोला? मुआवजा का बोला कि मुआवजा मिल जाएगा, ये पूरक में गई है और दीपावली तक अभी महीना डेढ़ महीने में मिल जाएगा। अगर डेढ़ महीने में नहीं मिलते ये राशि तो क्या करेंगे आप? बन जाएंगे? हाँ तो नहीं बनने देंगे ना सर। अच्छा, धरना बैठेंगे? धरना बैठे नहीं, उसी लाइन में बैठूंगा, नहीं मतलब बैठूंगा पूरा परिवार सहित, चाहे मतलब ये अधिकारी जहाँ जहाँ मैंने रिपोर्ट लगाई इनके माथे, चाहे जेल खा के खत्म हो जाऊँ चाहे आग लगा खत्म हो जाऊँ, मगर जगह किसी प्रकार से रेल को नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत चोट हुई। आज 6 महीने से परेशान है, पैसा रेली लगा लगा के दिहाड़ की कर करके नहीं परेशान है, आज तक मेरे साथ मेरा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा सर। न्याय चाहिए? हाँ बिल्कुल न्याय चाहिए। तहसीलदार महोदय ने अभी कल कौन सी तारीख थी, 12 थी, कल 12 तारीख को तहसीलदार महोदय ने मुझे बुलवाया, एक कोई महिला ने फोन लगा के बुलाया मेरे को, तहसीलदार साहब ने पूछी तलाशी करी क्या है, तो मैंने कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, आज तक मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ, ना मेरे को मुआवजा मिला, ना मेरी वो जो पेड़ काट लिया उनका मतलब निराकरण करा थाने वाले ने, ना किसी ने करा, तो उनने प्यार से बुला के नहीं, वो कहना कि तुम्हारे वो रेलवे वो तुमने जिस शिकायत 181 कर रखी है उसे वापस ले लो, वो लेने के बाद में मतलब है जो तुम्हारा मुआवजा डल जाएगा, ऐसे विश्वासघात करके मेरे से वो मैंने जो शिकायत